एनआईटी जमशेदपुर में कल दो छात्रों को उनके अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा पैकेज ऑफर हुआ। एनआईटी के दो स्टूडेंट, एक का नाम कनिष्का और दूसरे का नाम अमन कुमार, दोनों ही बिहार के हैं और एनआईटी जमशेदपुर में दोनों को ही 43.30, इंग्लिश में बोले तो 43.30 लाख रुपीज़ का पैकेज ऑफर हुआ, जो कि एनआईटी जमशेदपुर के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा पैकेज है। इससे पहले पिछले साल उन्हीं के एनआईएफटी में पिछले साल जो सबसे हाईएस्ट पैकेज ऑफर हुआ था 42.28 का, और इस साल ये 43 लाख पार कर गए हैं, तो ये इसी के साथ इनका सबसे बड़ा पैकेज बन गया है। और जिन दो लोगों को ये जॉब मिली है उनकी मंथली सैलरी लगभग 3.5 लाख रुपए होगी, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा है किसी के लिए पहली सैलरी के रूप में। वहीं सिर्फ ये दो छात्र नहीं, और भी बहुत से छात्र हैं जिनको बड़े बड़े पैकेज मिले। माइक्रोसॉफ्ट ने 3 छात्रों को लिया और तीनों को 28 लाख के पैकेज पर लिया है एनआईटी जमशेदपुर में। अमेजोन ने भी 25 लाख के पैकेज पर 5 से 6 छात्रों को लिया। इसके अलावा टोटल 600 छात्रों में से लगभग 90% का प्लेसमेंट हो गया। एनआईटी जमशेदपुर में पिछले 3-4 सालों से प्लेसमेंट का रेशो बहुत अच्छा है और 600 बच्चे ये हर साल एडमिशन के लिए लेते हैं, और जो 600 के प्लेसमेंट के टेस्ट के लिए जब जाते हैं तो 600 में से 90% का प्लेसमेंट हो ही जाता है, और जिनका नहीं होता उनका बाहर उनकी जॉब लग जाती है। तो कुल मिलाकर अधिकतर लोग जॉब के साथ ही एनआईटी जमशेदपुर में से निकल रहे हैं। सिर्फ एनआईटी जमशेदपुर में से नहीं, आईआईटी का तो खैर बात ही अलग है। आईआईटी के बाद जितने भी एनआईटी आते हैं उन सब में भी इसी तरह के पैकेज ऑफर हो रहे हैं आजकल, और कुल मिलाकर अच्छी जॉब मिल रही है। लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज है बाकी के, उनको शिकायत रहती है कि उनकी सीटें हर साल कुछ ना कुछ खाली रह जाती है। वो जो दिखाता है कि आजकल छात्र या तो नामी कॉलेज से इंजीनियरिंग करना चाहता है, वरना फिर इंजीनियरिंग करना ही नहीं चाहता, क्योंकि हर छात्र और उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि अगर कॉलेज में प्लेसमेंट ही नहीं है तो उनके इंजीनियरिंग की डिग्री का कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसीलिए सब सेफ कॉलेज ढूंढते हैं जहाँ पर प्लेसमेंट तो हो जाए कम से कम। अगर प्लेसमेंट ना हो तो फिर आपको कॉलेज के बाहर खुद धक्के खाने पड़ते हैं, और कॉलेज से प्लेसमेंट हो जाए तो बात ही कुछ और है। इसीलिए सब लोग एक ऐसा कॉलेज चाहते हैं जहाँ पर प्लेसमेंट हो ही जाए। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और मनोरंजन की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम।